मुझे छिंदवाड़ा जिले की विकास यात्रा 40 साल पहले की याद आती है। कितने स्कूल थे हमारे पास, प्राइमरी स्कूल हुए, मिडिल स्कूल हुए, हायर सेकेंडरी हुए। आज के बच्चों ने वो छिंदवाड़ा देखा नहीं, वो छिंदवाड़ा नहीं देखा जहाँ सीमित स्कूल थे, सीमित प्राइमरी स्कूल थे, सीमित मिडिल स्कूल थे, सीमित हाई स्कूल थे। हाई स्कूल तो गिने चुने हुआ करते थे, कॉलेज गिने चुने हुआ करते थे, वो भी एक छिंदवाड़ा था। 40 साल पहले का छिंदवाड़ा आपके माता पिता दादा दादी नाना नानी से आप पूछिएगा कि कैसा छिंदवाड़ा था। धीरे धीरे हम आगे बढ़े और छिंदवाड़ा, एक नए छिंदवाड़ा का निर्माण की शुरुआत हुई। हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, हमारा कृषि क्षेत्र हुए, हमारे स्कूल हुए, हमारे स्वास्थ्य सुविधा हुए, हर क्षेत्र में, क्योंकि बहुत बड़ी आवश्यकता थी। ये मेरा सपना था कि छिंदवाड़ा की मध्य प्रदेश में अपनी पहचान बने। और आज आप सब कहीं भी जा सकते हैं मध्य प्रदेश में, आप अपनी छाती ठोक कर कह सकते हैं, सिर ऊंचा करके सब कह सकते हैं कि हम छिंदवाड़ा से हैं। सही बात है। पर आगे आने वाले समय की चुनौतियां भी बहुत है। आज के नए बच्चे, बच्चे और बच्चियां, इनकी भी नई सोच बन रही है। 10 साल पहले कोई इंटरनेट से नहीं जुड़ा था, कोई कंप्यूटर से नहीं जुड़ा था, पर आज की पीढ़ी तो इंटरनेट से जुड़ी है, कंप्यूटर से जुड़ी है। और आज की पीढ़ी की अपनी सोच है, इनकी आशाएं हैं, इनके स्वप्न हैं। और यही सबसे बड़ी चुनौती है कि आप सबका, आज के बच्चे जो 10 साल 12 साल 15 साल 16 साल के हैं, उनका भविष्य कैसे सुरक्षित रहे। हमने प्रयास किया कि हमारे स्किल सेंटर खुले, हमने प्रयास किया कि एक नई सोच आए। सबसे बड़ी चीज है सोच की। छिंदवाड़ा और बैतूल ले, सिवनी ले, छिंदवाड़ा का अंतर क्या है? हमारी सड़कें हैं, ये है वो है, पर सबसे बड़ा अंतर छिंदवाड़ा की सोच में है, छिंदवाड़ा के नजरिए में है, छिंदवाड़ा के दृष्टिकोण में है। ये सबसे बड़ी बात है। और हम तो, हमारा तो ये प्रयास है कि छिंदवाड़ा का एक नया नक्शा बनाए। हमारे कृषि क्षेत्र होए, हमारा व्यापारी होए, हमारे उद्योग होए, किसी को छिंदवाड़ा के बाहर ना जाना पड़े, सबको छिंदवाड़ा में ही मौका मिले, यही हमारा प्रयास है। अब तो मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने फैसला किया कि छिंदवाड़ा में अपना विश्वविद्यालय होगा। ये छिंदवाड़ा का जो विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी जो बन रही है, इससे हमारा जो टीचिंग स्टैंडर्ड है, इसमें सुधार होगा। हमारे आसपास के ज़िले के लोग आके भी छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में भाग लेंगे। जो कॉलेज वहाँ के हैं वो छिंदवाड़ा से जुड़ेंगे, और छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी जो बनेगी, बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये तो 15-20 साल में इनकी हालत पता नहीं क्या होगी, पर छिंदवाड़ा जो नई यूनिवर्सिटी बन रही है, ये अगले 50 साल के नज़रिए से, के दृष्टिकोण से हम बना रहे हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज का जो अस्पताल बनेगा, जिसको हम कहते हैं छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अब तो लोग छिंदवाड़ा के नागपुर इलाज करने जाते हैं। जब ये बन जाएगा तो नागपुर के लोग छिंदवाड़ा आएंगे अपना इलाज कराने। ये हमारा लक्ष्य है, और ये सब संभव है आपके प्यार के, आपके विश्वास से। अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो आप स्कूल में तो शिक्षा प्राप्त करेंगे, पर जीवन भर आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। शिक्षा और ज्ञान में ये अंतर है, यही अंतर है। मैं तो आज भी ज्ञान प्राप्त करता हूँ, ज्ञान तो हम जिंदगी भर प्राप्त करते रहते हैं,
शिक्षा तो स्कूल कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएशन तक शिक्षा चलती है, पर ज्ञान सीमित नहीं है। ज्ञान तो हमारी आखिरी सांस तक हम जीवन में ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो आपको, आपके लिए ये चुनौती है, आपके लिए वो साधन है। जो आपके परिवार में बुजुर्गों के पास वो साधन नहीं थे, उनके पास वो इंटरनेट का साधन नहीं था, उनके पास वो कंप्यूटर का साधन नहीं था, इन साधन से जीवन भर आप ज्ञान प्राप्त करते रहे, तभी आप उसी पटरी पर चल पाएंगे जिस पटरी का लक्ष्य है सफलता। आप सबको बहुत बहुत ढेर सारा प्यार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब यहाँ आज इनकी शादी के अवसर पर सभी यहाँ प्यारे जोड़ियाँ, बहुत बहुत खुशी हुई आज आप सब के बीच में आकर ये कार्यक्रम में आकर। मैंने जब तय किया था कि मैं आऊंगा, मैं जानता था कि कल से विधानसभा शुरू होने वाली है और आज से ही उसकी कार्रवाई कुछ शुरू हो जाती है, पर फिर भी डेरिया समाज जिसने मुझे हमेशा बहुत प्यार और विश्वास दिया है, मेरी इच्छा थी कि कुछ समय के लिए मैं यहाँ आऊँ। बहुत खुशी हुई मुझे आप सबके बीच में आकर। मैंने आपकी मांगें सुनी, डेरिया समाज तो प्रसिद्ध है, पिछड़ी हुई समाज है, गरीब समाज है, पर हमेशा डेरिया समाज से जहाँ तक बना वो समाज सेवा से जुड़े रहे, अपने प्रदेश के निर्माण, अपने जिले के निर्माण, अपने देश के निर्माण से जुड़े रहे। तो मैं डेरिया समाज को बधाई देता हूँ और तमाम मध्य प्रदेश की जनता से उन्हें धन्यवाद भी देता हूँ कि ऐसा समाज जिसने निष्ठा से सेवाएं दी। मुझे ज़्यादा नहीं कहना कि मुझे कुछ मिनटों में ही भोपाल जाना है, पर मैं एक बात आवश्यक करना चाहता हूँ, खास करके जो यहाँ डेरिया समाज के नेतागण हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, कि आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पर कि जो नई पीढ़ी है वो हमारे सामाजिक मूल्यों को पहचाने और अपनाए रखें। आज की नई पीढ़ी कुछ फिसल गई, हर समाज की नई पीढ़ी आज फिसल गई, तो आज आप सबका कर्तव्य है, हमारे बुजुर्गों का कर्तव्य है कि नई पीढ़ी जो इंटरनेट से जुड़ी है, जो विभिन्न टीवी चैनल से जुड़ी है, क्या वे उतना ही कदर करते हैं उन सामाजिक मूल्यों का, हमारे आध्यात्मिक मूल्यों का जिससे हमारे बुजुर्ग करते थे। ये हमें इस पर आत्मचिंतन करना पड़ेगा और ये आपके ऊपर है कि आप हमें जोड़े रखें कि आज भारत की पहचान कोई मिलिट्री शक्ति से नहीं है, भारत की पहचान कोई आर्थिक शक्ति से नहीं है, भारत की पहचान उसके मूल्यों से है और उन मूल्य यही मूल्य है जो हमारी इतनी अनेकता, इतनी विभिन्नता, हम सब एक झंडे के नीचे खड़े हैं। ये शक्ति, ये बल हमें उन मूल्यों से मिलती है, हमारे जो आध्यात्मिक मूल्य है, सामाजिक मूल्य है, जो हमारी संस्कृति है, पूरा विश्व भारत की ओर देखता है, भारत की संस्कृति की ओर देखता है, भारत के मूल्यों के ऊपर देखता है, भारत के आध्यात्मिक शक्ति की ओर देखता है। आध्यात्मिक शक्ति में एक शक्ति होती है और ये हमारी जो शक्ति है, हमारे मूल्यों की शक्ति, ये मूल्यों की शक्ति हमेशा मजबूत रहे, नई पीढ़ी इससे जुड़े, नई पीढ़ी इसे आगे बढ़ाए। और ये इंटरनेट की पीढ़ी, ये बच्चे जो हैं आज कुछ अपना रास्ता पकड़ लेते हैं, सही बात है ना, कुछ अपना रास्ता पकड़ लेते हैं, तो ये आज हमारे बुजुर्गों को और हमारे समाज के नेहरा डेरिया समाज के नेताओं का कर्तव्य है कि नई पीढ़ी को भी आप इसे जुड़े रखें। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई सब जोड़ियों को देना चाहता हूँ।
बहुत खुशी हुई आप सबको, आपके आप जीवन उज्जवल हुए, आप खुश रहे और हम सब मिलके छिंदवाड़ा का एक नया इतिहास बनाए। एक इतिहास तो बन गया था, अब आवश्यकता है कि हम एक नया इतिहास बनाए आने वाली पीढ़ियों के लिए, हम उनके उज्जवल भविष्य की रक्षा करें। उसी के कारण हमें एक नए इतिहास बनाने की आवश्यकता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।